नमस्कार, स्वागत करते हैं आज के बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो में। राजस्व मौलाना प्रसाद यादव आज रांची के लिए रवाना हो गए, शरीर समेत होना है कोर्ट में पेश। बड़ी खबर विस्तार से पूरी जानकारी के साथ बताएंगे आज के बड़ी खबर में कि कैसे नीतीश कुमार के सामने आज जनता दरबार में एक फरियादी ने नीतीश कुमार का पूरा पोल खोल कर रख दिया है। इसके साथ आज की बड़ी और मुख्य समाचार के अंदर बात करेंगे बिहार में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के रेट को लेकर के क्या है मुख्य और बड़ी समाचार। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो को बताया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बार फिर से अपनी बैठक करने वाला, और इस बैठक में लगातार जो है महंगाई को लेकर के एक और बड़ी अपडेट और कदम उठाया जा सकता है, जो बड़ी खबर है, ध्यान से देखिएगा, पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने अब डिंपल यादव को बना सकते हैं जहां आजमगढ़ से उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी और मुख्य समाचार सामने आई, दिनेश लाल निरहुआ के सामने होगी पेशी। इसके साथ आज की बड़ी और मुख्य समाचार में सभी छोटी बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आइए दोस्तों, शुरुआत एक बड़ी और मुख्य समाचार से करते हैं। राजस्व मंत्री लालू प्रसाद यादव आज जो है वो कई बड़े और महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने जेपी के सिद्धांतों को भी बताया, लेकिन इसके साथ वह रांची के लिए रवाना आज हो गए। उन्हें शरीर समेत कोर्ट में पेश होना है। लालू प्रसाद यादव शरीर समेत कोर्ट में पेश होंगे, उसके बाद में जो भी चीजें होंगी वो धीरे धीरे बाहर आएंगी। 7 तारीख को लालू प्रसाद यादव की पेशी है, लेकिन इससे पहले दरअसल दोस्तों वो 6 तारीख को शाम को ही रवाना पटना से हो गए थे। पटना से लालू प्रसाद यादव को रवानगी होने के बाद में कई लालू प्रसाद यादव के समर्थकों ने कहा कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी राजू सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फंसाने के प्रयास कर रही है, लेकिन हमारे नेता ने अगर कोई गलती किया ही नहीं है तो भला क्यों फंसाया जा रहा है। जी हां, राजद की तरफ से इस बयान को दिया गया। राजद के कई नेता जो है इस बयान को दिए, जिसके बाद में एक बार फिर से राजद जो है सरकार पर उंगलियां उठाते हुए सवाल जो है पूछने में गुरेज नहीं कर रही है। कोरोना का चौथा वेव आ सकता है, और इसको लेकर के बेहद ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहां कोरोना का चौथा वेव आने को लेकर के बड़े और महत्वपूर्ण संकेत जो है वो मिलते हुए नजर आए, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर कोरोना के नए अपडेट के अनुसार नए वेरिएंट जो है वो फैलाव की स्थिति ले रहा है। महाराष्ट्र में लगातार मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइजर जैसे तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करने को लेकर के बातें कही जा चुकी है, लेकिन इसके साथ ही गौर फरमाने वाली बात यह है कि इस बार जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो लोगों की चिंताएं कई मायनों में बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपके लिए भी ये बेहद बड़ी खबर है। आपके लिए दोस्तों इसलिए बड़ी खबर है कि अगर आप इस वक्त अपनी सतर्कता को नहीं बरतते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों कोरोना फिर से फैलाव की स्थितियों पर है, और आप लगातार जो है कोरोना से बचने के लिए हर एक संभव अपने प्रयास को जारी रखें। बड़ी खबर निकलकर सामने आई अभी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सिद्धू मूसेवाला को लेकर के। सिद्धू मूसेवाला के आपको बता दें कि हत्या के बाद में आज 8 दिन बीत चुके हैं। 8 दिन बीतने के साथ ही 8 शूटरों को गिरफ्तारी के लिए चिन्हित कर लिया गया है। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपको बता दें इसके साथ साथ राजस्थान, पंजाब से जो शूटर हैं वो उनकी नाम सामने आई है। इन शूटरों की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार पूरा प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का निर्मम तरीके से वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो अपने घर को लौट रहे थे। इसके साथ ही दोस्तों एक सेल्फी वाला सीसीटीवी को फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में दर्ज इस फुटेज के अंदर जो सेल्फी लेने के लिए युवा पहुंचा हुआ है, उसी युवा ने इस बात की जानकारी दी कि सिद्धू मूसेवाला के साथ कोई भी गार्ड नहीं जा रहा है, और इस तमाम प्रकार की जानकारियां उसने साझा की, जिसके बाद में इसे और शिद्दत से जो है वो गोलियों को भूना गया था उनके ऊपर। बेहद बड़ी खबर। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान में एक बार फिर से गृह युद्ध जैसे माहौल छिड़ चुके हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है? इमरान खान पर दस्तरों समेत तमाम चीज़ों की यहाँ आरोप लग चुके हैं। इमरान खान पर जहाँ जानलेवा हमला समेत तमाम चीज़ों का अफवाह भी लगातार उठ गया था पाकिस्तान में, जिसके बाद में इमरान खान की जहाँ फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब
बिस्तरों का मुकदमा दर्ज होने के बाद में उन्हें जेल के सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। सरकार इस पर उचित कार्रवाई करने के लिए अपने लगातार तमाम चीज़ों को अपडेट कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर यह तमाम चीज़ें सामने आई है, ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो एक दूसरे से बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो वाकिफ हो जाते हैं, और इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें सदा इंतजार है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, गेहूं के निर्यात रोके जाने के बाद में पूरे विश्व में गेहूं जो है वो कीमती हो गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गेहूं की एक बार फिर से बड़ा खेप जो है वो विदेश में भेजा गया था, दो दो देशों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके बाद में भारत की इस गेहूं के निर्यात पर सरकार ने फिलहाल कुछ समय के लिए रोक लगा दिया है। समझौते की एक और बड़ी अपील की जा सकती है, समझौता इस बात को लेकर के कि जब भी गेहूं यहां से वहां जाता है तो उसे अच्छे तरीके से जांच पड़ताल किया जाए। इसके साथ साथ गेहूं अगर सड़ा हो तो इसकी भी जांच अधिकारियों को दी जाए। दोस्तों आपको बता दें कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगाए जाने के बाद में विश्व में गेहूं की कीमत बढ़ गई है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। दोस्तों लंबे वक्त से गेहूं की खरीदारी सरकार करती है और इसे विदेशों में इंपोर्ट भी करती है, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि अब विदेशों के अंदर गेहूं भेजे जाने के बड़े खेप को भी सरकार जो है वो रोक चुकी है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लगातार महंगाई के एक और बड़े पड़ाव पर दिखाई दे रहा है। महंगाई के जो है नए पड़ाव को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपने बैठक में बड़े फैसला ले सकता है। इस तरीके से मई के महीनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैठक हुआ, इस बैठक में बड़े और महत्वपूर्ण फैसले सामने आए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि किस्तियों को बढ़ाया गया और एक अपडेट के अनुसार इसके रेट को भी बढ़ा दिया गया था। यानी बात करें ईएमआई की, तो ईएमआई जो है वो कॉस्टली हो जाती है जब भी ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है, तो ब्याज दरों को फिर से बढ़ाने की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, और बताया जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरों को एक और पड़ाव पर आगे बढ़ाते हुए जी हां विकसित कर सकता है। तो दोस्तों एक बड़ी अपील जो है वो की जा सकती है, और सरकार के साथ साथ जनता जो है परेशान है महंगाई के इस दौर के अंदर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बढ़ाए जाने वाले ब्याज दर लोगों की चिंता का कारण मुख्य रूप से बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बड़ी खबर, निपुण शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने वाले एआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी सरकार के सामने सामने सवाल जवाब कर रहे हैं। निपुण शर्मा ने आपको बता दें कि जिस तरीके से एक विवादित बयान दिया था, इस विवादित बयान के दिए जाने के बाद में भाजपा ने उन्हें 7 सालों के लिए अपने पार्टी से निकाल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा उस वक्त होता रहा कि क्या फिर से एक बार भाजपा किस बड़े कार्रवाई के रूप में है। निपुण शर्मा की गिरफ्तारी की मांग एआईएम चीफ ओवैसी ने किया है, जहां निपुण शर्मा की गिरफ्तारी लगातार ओवैसी की तरफ से मांग की जा रही है। ओवैसी ने कहा है कि भारत के अंदर ये हो क्या रहा है, एक तरफ सरकार मौन की नींद सो रही है, दूसरी तरफ जहां इनके ही लोग इनकी ही मुसीबतें बढ़ा रहे हैं, अंदर खाने चल रहे बातों को अब बाहर भेजा जा रहा है। इससे साफ साफ पता चलता है कि देश की नीतियां क्या हो चुकी है और किसके खिलाफ ये लोग बगावती बिगुल फूंक रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, लोकसभा उपचुनाव को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जी हां दिनेश लाल निरहुआ समेत सपा के अंदर युद्ध जैसा माहौल छिड़ चुका है, तो आज दिनेश लाल निरहुआ ने नामांकन में तमाम बड़े बड़े नेताओं को बुलाया था, जिसमें बड़े अभिनेता मौजूद थे, पवन सिंह समेत तमाम अभिनेता भी मौजूद थे। दिनेश लाल निरहुआ जो है वो लगातार जो है अपडेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ दिनेश लाल निरहुआ की बात माने तो इस बार जो है वो लगातार आजमगढ़ से वो जीतने के कगार पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों वक्त बताएगा कि किसे जीत मिलेगी और किसे मिलेगी हार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अपने आप में इस बात को लेकर के है कि इस बार ईवीएम के मशीनों में किसकी दबेगी बटन, और लोकसभा चुनाव के अंदर उप लोकसभा चुनाव के अंदर जीत किसे हासिल होती है। तो ये बड़ा सवाल है, जवाब वक्त के साथ मिलेगा, लेकिन अब एक बार फिर से आजमगढ़ से नामांकन पर्चा भरे दिनेश लाल निरहुआ एक आशा और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर,
बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त पेट्रोल और डीजल को लेकर के। पेट्रोल और डीजल की प्राइस में बढ़ोतरी की गई है, 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ साथ आपकी जानकारी के लिए बताएं दोस्तों कि लगातार केंद्र सरकार जो है वो इसके पैसे कम कर रही है, तो कंपनियां जो है वो कुछ पैसे इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि कस्टम ड्यूटी समेत तमाम चीज़ों को लेकर के डीलरशिप की महंगाइयों को देखते हुए इसे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेट्रोल और डीजल का रेट आखिरकार 100 रुपये के पार किए जाने के बाद में भी सरकार का क्या पेट नहीं भरा, क्या सरकार इतने से भी संतुष्ट नहीं है? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार हमेशा से रहता है। दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई अपने अंतिम चरम सीमा पर चली जा चुकी है। आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।